मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। मैं आपको अपनी ये एडवांस गर्भ संस्कार की यूट्यूब सीरीज में गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड आफ्टर कंसेप्शन। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कौन कौन सी चीज़ों की केयर रखनी है उसके बारे में भी बताऊँगी। प्लस बेबी डेवलपमेंट की ऐसे मिरेक्युलस फैक्ट्स हैं जो आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले गर्भ संस्कार क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज गर्भ संस्कार? जैसे हम उसकी डेफिनेशन देखने जाएंगे तो गर्भ संस्कार यानी गर्भ पे करने वाले संस्कार, राइट? लेकिन एज ए आयुर्वेद एक्सपर्ट मैं आपको और डीप में ले जाऊंगी कि आयुर्वेद गर्भ संस्कार के बारे में क्या मानता है। ऐसे हम देखने जाएंगे तो आयुर्वेद दो वर्ड से बना हुआ शब्द है, गर्भ और संस्कार। गर्भ क्या है? गर्भ यानी फिटस। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ की उत्पत्ति के लिए चार फैक्टर एसेंशियल है ऐसे कहा है। इसको समझने के लिए हमें एक खेत की कल्पना करनी है। एक किसान है, अगर उसको कुछ भी क्रॉप्स उगाने हैं तो उसके लिए चार फैक्टर जरूरी है। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। यानी ऋतु यानी सीजन प्रॉपर होनी चाहिए। चावल कोई सीजन में होते हैं, गेहूं कोई सीजन में होती है, हर सीजन में हर चीज नहीं होती है। फिर आता है क्षेत्र यानी खेत। खेत उपजाऊ होना चाहिए। अगर हम बिन उपजाऊ खेत में अच्छे वाले बीज भी डालेंगे तो वो होंगे नहीं। क्षेत्र के बाद आता है बीज। बीज भी अच्छे वाले होने चाहिए। अगर मैं बासमती चावल डालूंगी तो बासमती होंगे, मैं नॉर्मल चावल डालूंगी तो नॉर्मल होंगे। और सब चीज़ें अच्छी हो तो खाद पानी भी डालना पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अच्छी हो तो जैसा क्रॉप्स उगाने हैं वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। सेम कंपैरिजन हमारे बॉडी से की है। ऋतु यानी फीमेल की बॉडी, यानी मेल और फीमेल की एज फैक्टर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ओव्यूलेशन टाइम अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन टाइम 12 टू 16 डेज का रहता है, तो वो अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है सीजन, यानी हेमंत, शिशिर और वसंत। ये तीन सीजन कंसीविंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये हुई ऋतु की बात। उसके बाद आता है क्षेत्र। क्षेत्र यानी फीमेल का बॉडी, इसको हम फीमेल के बॉडी के साथ ज़्यादा कोरिलेट करेंगे। फीमेल का यूट्रस अच्छा होना चाहिए, वो उपजाऊ हो तो अच्छी सी गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। यानी फीमेल को कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है बीज। स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों हेल्दी होने चाहिए। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा होना चाहिए, उसको ओव्यूलेशन होना चाहिए, उसको राइट टाइम पे रप्चर भी होना चाहिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सेम पुरुष बीज भी हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आता है खाद पानी। हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी इफेक्ट होती है। यानी अगर फीमेल को की बॉडी में अगर पित्त एग्रीवेट हो तो उसके पित्त को हम निकाल के कंसीव करेंगे तो वो बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये चारों फैक्टर अगर सही हो तो गर्भ की उत्पत्ति बहुत इजीली होती है। ये हुई गर्भ की बात। अभी हम जाते हैं संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कारो हि नाम गुणांतरा धानम। ये एक संस्कृत श्लोक है। एक बेनिफिट का यानी एक क्वालिटी का दूसरी क्वालिटी में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको संस्कार बोलते हैं। इसको मैं सिंपली आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हम दही कैसे बनाते हैं। दही बनाने के लिए हम दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो उसमें से दही बन जाता है, राइट? तो दूध में से दही बनने की जो प्रोसेस है ना उसको दूध का संस्कार बोलते हैं।
सेम उसी तरह अगर हमें चावल बनाने हैं, राइस बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, पानी उबालते हैं, उसमें चावल डालते हैं, उसमें से जब राइस बनता है वो चावल का संस्कार होता है, तब जाके हम उसको खाते हैं। उसी तरह जो जो क्वालिटीज हमें बेबी में चाहिए उसको लाना है, इच्छित गुणों का आरोपण, और जो बैड क्वालिटीज हमें बेबी में नहीं चाहिए उसको निकाल देना है, अनिश्चित गुणों का परिवर्जन, उसको संस्कार बोलते हैं। तो ये हुआ गर्भ का संस्कार है, दैट इज गर्भ संस्कार। तो ये मैंने आपको थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन गर्भ संस्कार के बारे में बताई। ऐसे ही आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। बी हैप्पी पेरेंट्स।